भी जो है ये स्वभाव से ही सत्य का पक्षपात करती है। भीतर से जो ठीक मालूम पड़ता है बुद्धि उधर झुक जाते हैं। सत्य पक्षपातो ही धियान स्वभाव, ये बुद्धि वृत्तियों का स्वभाव ही है कि वो सत्य की ओर झुके। तो झुकने में प्रतिबंध क्या होता है? जब किसी के साथ बड़ी ममता हो तो प्रश्न उठता है कि ममता वाले को जिससे ममता है उसको छोड़ें कि सत्य को छोड़ें? तो जिससे ममता होती है उसको नहीं छोड़ सकते हैं तो सत्य को छोड़ देना पड़ता है। तो कामना के लिए सत्य को छोड़ते हैं, क्रोध आने पर सत्य को छोड़ते हैं, लोभ आने पर सत्य को छोड़ते हैं, मोह होने पर सत्य को छोड़ते हैं। लेकिन भीतर भीतर से जो बुद्धि है वो कहती रहती है कि दरअसल सत्य तो यही है। यही अपने माँ बाप का जो पक्षपात है वो जैसे कन्या में रहे और जैसे पुत्र में रहे अपने माँ बाप का पक्षपात, इसी प्रकार बुद्धि में अपने माँ बाप का पक्षपात हमेशा रहता है। कि जब ऐसा लगता है मनुष्य को कि संसार में तो बहुत असत्य है और बहुत धोखाधड़ी है, बहुत ढोंग है, तो सत्य क्या है ये जानने की इच्छा स्वाभाविक ही मनुष्य के मन में होती है। तो सत्य क्या है इसके विषय में खोज करने वालों ने ये बात बताई है, सातवें आसमान में ईश्वर है कि नहीं ये तो शंका हो जाती है और सामने वाला सच्चा है कि नहीं ये शंका भी हो जाती है, लेकिन मैं सच्चा हूं कि नहीं ये शंका मनुष्य के मन में कभी नहीं होती है। इसलिए जब सत्य की शोध करनी हो तो वह कौन है ये बात तो मंद जिज्ञासु के मन में आती है। यह क्या है, वह क्या है, अरे बाबा यह होवे कि न होवे, तो क्या का प्रश्न कहाँ रहेगा और वह होवे कि न होवे तो क्या का प्रश्न कहाँ रहेगा। असल में तो जो ऐसी अकाट्य चीज है मैं, जिसके होने और न होने के बारे में कोई सवाल न हो, इस समय इस देश में और इन संपूर्ण वृत्तियों के अनुभविता के रूप में, दृष्टा के रूप में आत्मा का अस्तित्व सिद्ध है, मैं कौन हूँ यही मुख्य प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जब तक मैं क्या हूँ ये प्रश्न नहीं उठता तब तक सत्य के ज्ञान में प्रतिबंध क्या है, रुकावट क्या है? या तो यह के प्रति मोह की अधिकता है,
बाल बच्चों से फुर्सत नहीं, रुपया मकान से फुर्सत नहीं, वो उसी के बारे में सोचते हैं, यह क्या है, रुपया क्या है, मकान क्या है, जिसमें रुपया मकान बना है वो क्या है, और संस्कार की प्रबलता है कि एक स्वर्ग है, एक नरक है, एक वैकुंठ है, एक ब्रह्मलोक है, तो उसके बारे में सोचते हैं वह क्या है। तो जब तक आस्था की, विश्वास की, संस्कार की प्रधानता है, उसके प्रति मोह है, तब तक वह के बारे में ज्यादा विचार होता है, वह को छोड़ नहीं सकते। और जब तक संसार के प्रति काम, क्रोध, लोभ, मोह बसा हुआ है, तब तक यह क्या है ये विचार छोड़ नहीं सकते। वैज्ञानिक लोग ये विचार करते हैं कि अणु में ऐसी शक्ति निकले तो उसका हम क्या उपयोग करेंगे, रचना के लिए क्या उपयोग करेंगे और संहार के लिए क्या उपयोग करेंगे। माने हम शक्तियों को जान करके उनको अपनी वासना की पूर्ति में लगाएंगे, यही ना उनका काल है। तो सारा का सारा वैज्ञानिक अनुसंधान केवल वासना की पूर्ति की दृष्टि से ही होता है, चाहे हम उसके दुश्मन को मारेंगे, चाहे दोस्त को जिलाएंगे, चाहे उससे रचना करेंगे और चाहे संहार करेंगे। तो वासना पूर्ति मूलक जितने विचार होते हैं वो पक्षपात से शून्य नहीं होते हैं, वो अपने घर वाले के लिए फायदे के लिए होते हैं और दूसरों के घर वालों के लिए नुकसान के लिए होते हैं। तो वैज्ञानिक विचार में भी मूल रूप से देखें तो इंद्रियक शक्तियों का ही थोड़ा विस्तार कर देने पर उसको वैज्ञानिक बोलते हैं। क्या जो चीज जैसे आंख से न दिखाई पड़ती हो, अब कोई ऐसी मशीन बना दी कि आंख उसको देखने लगी, कान उसको सुनने लगा, नाक वहां गंध का अनुभव करने लगी, जिह्वा को स्वाद आने लगा, प्रायः बुद्धि और दृष्टि प्रधान विशेषता को लेकर के, माने या तो गणित के सत्य अथवा दृष्टि के सत्य, इन्हीं सत्यों को वैज्ञानिक सत्य माना जाता है। तो वैज्ञानिक सत्य का अनुसंधान, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसके लिए वैज्ञानिक अनुसंधान उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये विचार दृश्य के बारे में नहीं है, दृष्टा के बारे में है, ये के बारे में ये विचार नहीं है, ज्ञाता के बारे में है, ये इदम के विचार बारे में ये विचार नहीं है, अहम के बारे में ये विचार है। इसलिए नारायण, जब तक मनुष्य अंतर्मुख नहीं होगा, अंतर्दृष्टि संपन्न नहीं होगा, तब तक अहम के बारे में विचार का उदय नहीं होगा। जब विचार का उदय होगा तब बाहरी चीजों के बारे में होगा। अब विचार की दृष्टि से देखो तो एक देहावच्छिन्न आकाश और एक गृहावच्छिन्न आकाश, मंडपावच्छिन्न आकाश बोलो, एक बोल वो है जो हमारे शरीर के भीतर दोनों गालों के बीच में है, दोनों नाकों के बीच में है, दोनों कानों में है, गले में है, हृदय में है, एक पोल है। और एक पोल वो है जिसके भीतर ये देह है, घर के भीतर है, और पोल का एक स्वरूप ये है कि वो घर के बाहर है, किसी भीत
में नहीं, किसी जीत के घेरे में नहीं है। लेकिन इस आकाश को यदि विचार करके देखें तो क्या वो देह के भीतर बंधा हुआ है, क्या वो घर के भीतर बंधा हुआ है, क्या वो किसी धरती की सीमा से बंधा हुआ है, किसी समुद्र की सीमा से बंधा हुआ है। तो आकाश तत्व पर विचार करने से ये मालूम पड़ता है कि ठीक है, उसी आकाश में एक हृदयाकाश पैदा हो करके फूलता पटकता है, सांस लेता है, उसी में एक कान की झिल्ली पैदा हो जाती है और वो शब्द की चक्कर को ग्रहण करती है, उसी में एक नाक की झिल्ली पैदा हो जाती है, वो गंध को ग्रहण करती है, जिह्वा के छिद्र पैदा हो जाते हैं और वो गंध को ग्रहण करते हैं। आकाश बिल्कुल एक का एक रहता है, न वो नासिका के गंधक ग्रहण करने से वहाँ का आकाश विकृत होता है, न कान के शब्द सुनने से विकृत होता है, न गले में बोलने से आकाश विकृत होता है, और न पेट में अनाज भरने से विकृत होता है, और न हृदयाकाश में विचार फुरफुराने से होता है। कहीं भी आकाश जो है वो संगवान देखने में नहीं आता है। तो जब हम आकाश के बारे में विचार करते हैं, ये आकाश क्या है जो इस शरीर के भीतर भी है, बाहर भी है, और जहाँ भीतर बाहर का भेद नहीं है वहाँ भी है, ऐसा ये आकाश क्या है। जितना ये आकाश बाहर फैला हुआ है उतने ही आकाश हृदय में भी है, और हृदय में जितना आकाश है उतने ही बाहर भी है। उपनिषद इस प्रकार आकाश तत्व का निरूपण करती है। अब इस दृष्टिकोण से आप चैतन्य के बारे में विचार करें, ये शरीर जो है इसको अन्नमय कोष कहते हैं। अन्नमय कोष माने जिसको कोई न कोई खा जाए उसका नाम अन्न होता है, खाने की वस्तु का नाम अन्न होता है। अद्यते इति अधभक्षण है, जो किसी के भोजन का विषय बने उसका नाम अन्न। तो ये जितने शरीर हैं ये सब किसी न किसी के भोजन के विषय हैं। आपको जैसे गेहूं जौ चना आदि खाने से तो ये शरीर बनता है, परंतु जौ चना गेहूं से ही जब ये बनता है ना तो इसको भी कोई खा जाता है, कुत्ता खा जाए, प्यार खा जाए, नहीं तो आग खा जाए, पानी खा जाए, मिट्टी खा जाए, और नहीं तो कीड़े खा जाए, मकोड़े खा जाए। आग में जला देते हैं तो आग खा जाती है, और पानी में डाल देते हैं तो मछलियां कछुए खा जाते हैं। मथुरा में देखा गया हो एक जवान लड़का, ये 30 वर्ष, और विश्राम घाट पर जमुना जी में उतरा, सैकड़ों कछुए उसके शरीर पर ऐसे टूट पड़े कि 5 मिनट के बाद उसके शरीर में मांस नहीं मिला, केवल हड्डी की छतरी छतरी रह गई। एक महात्मा थे, वो शक्कर खा के सो गए, चींटियां आकर के काटने लगी, और दूसरे दिन उनका शरीर जो है वो समाप्त हो गया। मिश्री में से पानी, मुंह में से पानी निकला, और रात को सोते समय चारों ओर फैल गया,
आंख की चींटियां लग गई, जंगल में धरती में सोए हुए थे स्वा। तो ये शरीर चाहे मिट्टी का भोजन हो, चाहे पानी का भोजन हो, चाहे आग का भोजन हो, चाहे चिड़ियों का भोजन हो, चाहे पशुओं का भोजन हो, चाहे शेर भालू का भोजन हो, इसी से इसको अन्न बोलते हैं, अन्न। अब ये शरीर जो है ये अन्नमय कोश है, अन्न से बना हुआ है, किसी का अन्न है और मरने के बाद अन्न में ही समा जाता है, मिट्टी पानी आग हवा। ये मैं नहीं है, ये 8 पाउंड का था तब भी तुम इसको मैं समझते थे, और ये 200 पाउंड का हो गया तब भी तुम इसको मैं समझते हो, ये घट के 60 पाउंड का हो जाएगा तब भी तुम इसको मैं समझोगे। तो इसके साथ मैं की समझ जोड़ी हुई है, ये मैं है नहीं। मैं कौन हूँ ये न जानने के कारण, मैं कौन हूँ ये न जानने के कारण इसके साथ मैं जोड़ दिया गया है। दरअसल देखो तो इसमें कुछ माटी है, इसमें कुछ पानी है, इसमें कुछ गर्मी है, इसमें कुछ हवा है और इसमें कुछ अवकाश है। इन 5 चीजों में ही एक सकल सूरत बन गई है और इस शरीर को मैं बोलते हैं। क्यों मैं बोलते हैं? जब ये जड़ से बना हुआ शरीर है और तुम चेतन हो, तुम समझदार हो, तुम जानने वाले हो, इसमें क्या जानने वाली चीजें? मिट्टी जानती है कि पानी जानता है, कि आग जानती है, कि हवा जानती है, कि आकाश जानता है, कि इन 5ों से बना हुआ ये जो पिंड है सो जानता है, कि इसमें नाक जानती है, कि आंख जानती है, कि हाथ जानता है, इसमें जानने वाला कौन है? तो इसमें जो जानने वाला है, इसको जब इससे अलग करके देखोगे तब एक नवीन प्रकाश, एक नवीन ज्ञान, एक अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्रकट होगा। तो इस देह में जो चैतन्य है, आकाश से भी विलक्षण, आकाश जड़ है और वो चेतन शुद्ध है, बोला तो बोले आकाश में और चेतन में क्या फर्क है? तो देखो आकाश और चेतन में ये फर्क है कि जब स्वप्न होता है तो इस आकाश के सिवाय एक दूसरा आकाश मन बना लेता है, और जब सुषुप्ति होती है तो आकाश का भान नहीं होता। तो जिस समय आकाश का भान नहीं होता समय भी चेतन साक्षी होता है, अभान दशा का भी साक्षी चेतन होता है, और जिस समय दूसरा आकाश भासता है उस समय भी साक्षी चेतन वही होता है, और जिस समय ये आकाश दिखता है उस समय भी साक्षी चेतन वही होता है। तो जागृत कालीन भूताकाश, स्वप्न कालीन चित्ताकाश और सुषुप्ति कालीन अभानाकाश, अज्ञानाकाश, ये जिसको भासता है वो चेतन है। अब देखो एक इसमें विशेषता लगाओ, आकाश अनंत है कि नहीं? तो आप लोगों ने कभी विचार किया होगा, जब स्वप्न में एक नवीन आकाश उत्पन्न हो जाता है और सुषुप्ति में
प्राचीन और नवीन दोनों आकाशों का लय हो जाता है, माने जागृतकालीन और स्वप्नकालीन दोनों आकाशों का लय जब सुषुप्ति में हो जाता है, तो जिसका लय होवे और जिसका जन्म होवे वो आकाश कार्यात्मक आकाश है, वो भान का बच्चा है, वो दृष्टा का बच्चा है, वो चेतन का बच्चा है। अब देखो आकाश में इसलिए तीनों प्रकार की अनंतता नहीं है। हम आकाश से अलग करना चाहते हैं आत्म तत्व को, क्योंकि आकाश एक काल में पैदा होता है और एक काल में लीन होता है, इसलिए आकाश कार्य है। कार्य होने के कारण वो काल से अपरिच्छिन्न नहीं है, काल में ही पैदा होता है और काल में ही लीन होता है, इसलिए काल बड़ी चीज है और आकाश छोटी चीज है। अब दूसरी वस्तु देखो, देश से परिच्छिन्न है कि नहीं आकाश, तो देशवत पदार्थ जितने हैं, देश वाले जितने पदार्थ हैं, पृथ्वी तो परिच्छिन्न है ना देश में, देश के एक हिस्से में है, और जल भी देश के एक हिस्से में है, और गर्मी भी देश के एक हिस्से में है, और वायु भी देश के एक हिस्से में है, कहीं वायु होती है कहीं नहीं होती है, कहीं अग्नि होती है कहीं नहीं होती है, कहीं जल होता है कहीं नहीं होता है, पृथ्वी कहीं होती है कहीं नहीं होती है, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु कहीं होते हैं कहीं नहीं होते हैं, और इनका उपादान कारण होने के कारण, देश वाले पदार्थों का उपादान कारण होने के कारण आकाश जो है वो देश से ना देश से परिच्छिन्न है, क्योंकि यदि उपादान कारण के साथ देश का संबंध नहीं होता तो कार्य में देशता आती ही कहां से। इसका अभिप्राय हुआ कि आकाश देश से भी अपरिच्छिन्न नहीं है और काल से भी अपरिच्छिन्न नहीं है, और जो मिट्टी है सो आकाश नहीं, जो आकाश है सो मिट्टी नहीं, या जो आत्मा जो आकाश नहीं और जो आकाश है तो आत्मा नहीं, आकाश का दृष्टा है। जहाँ आकाश का लय हो जाता है वहाँ भी चेतन मौजूद रहता है, चेतन का कभी लय नहीं होता। ऐसी स्थिति में आकाश देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न है, और आत्मा जो है वो देश काल और वस्तु, आकाश और आकाश से इतर वस्तु दोनों से ही परिच्छिन्न नहीं है। तो देश का होना और न होना, काल का होना और न होना, आकाश आदि वस्तुओं का होना और न होना, ये जिससे भासता है या जिसको भासता है उसको चैतन्य आत्मा बोलते हैं। तो ये जो अखंड चैतन्य आत्मा है, इसको जब अन्नमय कोष से घेरा बना करके देखते हैं, अन्नमय कोषावच्छिन्न चैतन्य, उसका नाम क्या हुआ, उस चैतन्य का नाम हुआ अन्नमय पुरुष। जैसे हड्डी है मांस है चैतन्य, वो परिच्छिन्न नहीं हुआ है वो परिपूर्ण, परंतु अन्नमय कोष के परिमाण का आरोप उसके ऊपर करके उसको अन्नमय पुरुष कहते हैं। इसी प्रकार प्राणमय कोष, अब प्राणमय कोष और अन्नमय कोष का थोड़ा अंतर समझ लें। वेदांत में ये बात तो बच्चों के लिए ही कही जाती है, पंचकोश विवेक वेदांत की एक प्रक्रिया है। वेदांत की प्रक्रिया में एक तो अवस्थात्रय विवेक है और एक पंचकोश विवेक है और एक अध्यारोप और अपवाद विवेक है।
श्रौत प्रक्रियाएं जो हैं वो मुख्य रूप से थोड़ी सी हैं, उनमें बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं है। देखो ये हाथ है, इसमें क्या है, हड्डी है कि नहीं, मांस है, चाम है, खून है, नसें हैं, इनको हम फैला सकते हैं और रख सकते हैं। तो ये जो हड्डी मांस चाम का माने पंचभूत का बना हुआ जो हाथ है, ये हुआ अन्नमय कोष, और हाथ में भी चैतन्य है, पांव में भी चैतन्य है, सिर में भी चैतन्य है, हृदय में भी चैतन्य है। इसमें जो स्वयं प्रकाश निष्क्रिय चैतन्य जो देह जावत देश में, जितने देश में देह है उतने देश में जो चैतन्य है उसको अन्नमय पुरुष बोलते हैं। अब ये देखो हाथ को फैलाया और समेटा, हाथ को फैलाया और समेटा, ये क्या है, क्रिया है ना, क्रिया होती है, हाथ को उठाया और गिराया। ये उठाना और गिराना जो है ये कैसे, तो बोले इसमें प्राण शक्ति जो है उसी के कारण क्रिया हो रही है, प्राण शक्ति से क्रिया हो रही है। तो बोले प्राण जो हवा जो है ना उसी में उठाने की और गिराने की ताकत होती है, लेकिन ये तो बिल्कुल इच्छा के साथ हो रही है ना, यदि इच्छा ना, हाथ से इच्छा हुई उठाया, इच्छा हुई गिराया। फूल अन्नमय कोष में जो चैतन्य है इसका अधिष्ठान, इसका प्रकाशक, वही प्राणमय कोष में भी प्राणमय का अधिष्ठान और प्राणमय का प्रकाशक है, उसको प्राणमय पुरुष बोलते हैं। लेकिन क्रिया तो इच्छा के अनुसार होती है, तो स्थूल शरीर से भीतर प्राणमय है शरीर, और प्राणमय शरीर से भी भीतर अंतरंग सूक्ष्म इच्छामय शरीर है। ये देखो ऐसे प्राणमय शरीर को घोड़ा समझो, प्राणमय शरीर घोड़ा है और इच्छामय शरीर जो है वो सारथी है, सारथी, और विज्ञानमय शरीर जो है वो निर्देशक है, और उसमें जो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा जो बैठा हुआ है वो सबका साक्षी है। तो हाथ का हड्डी मांस चाम ये अन्नमय कोष है, और इसमें जो उठाने गिराने की शक्ति है वो प्राणमय कोष है, और उसमें जो इच्छा है, इच्छा को मनोमय कोष बोलते हैं। मन जब प्रेरणा देता है तब शक्ति हाथ को उठाती है। अब जो जो चैतन्य, चैतन्य शरीर नहीं है और चैतन्य उठाने बैठाने की क्रिया भी नहीं है, क्योंकि क्रिया तो अनेक है और चैतन्य एक है, दृष्टा एक है, साक्षी एक है, हजार क्रिया जो शरीर में होती है उसको हम जानते हैं। बाल अलग बढ़ते हैं, खून अलग चलता है, हवा अलग दौड़ती है, पाचन अलग होता है, शरीर में विकार पीप आदि अलग पड़ते हैं, और प्राणमय कोष जो है वो इनसे ग्रस्त नहीं होता। अब प्राणमय कोष, इच्छामय कोष और अन्नमय कोष, इनमें फर्क क्या है, तो देखो जब लकवा लग जाता है तब क्या होता है, पक्षाघात का रोग हो जाता है, कोई है ना उसके यहाँ तो अंग्रेजी नाम उसका चलता है, हम लोग उसको है पैरालिसिस, तब क्या होता है, मन तो रहता है कि हाथ उठावे, तो इच्छामय कोष है ना, मनोमय कोष तो है कि हाथ उठावे, और हाथ भी रहता है लेकिन हाथ उठता नहीं है, इसका क्या अर्थ होता है, और इसका अर्थ है कि प्राणमय कोष जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है, और प्राणमय कोष भी है अन्नमय कोष भी है परंतु इच्छा नहीं है, बेहोश कर दिया, बेहोश कर दिया, इच्छा मिटा दी तो क्या हुआ, अब कैसे पड़ा रहेगा शरीर, इसलिए मनोमय कोष। अब चैतन्य वही है जो अन्नमय कोष में चैतन्य है, वही प्राणमय कोष में चैतन्य है, वही मनोमय कोष में चैतन्य है, और कोई इसमें घुस गया हो तो नहीं,
वो तो आकाश की तरह अपनी जगह पर बैठा हुआ है, अधिष्ठान रूप से है, प्रकाशक रूप से है। तो अन्नमय कोष की उपाधि से उसका नाम अन्नमय पुरुष होता है, प्राणमय कोष की उपाधि से उसका नाम प्राणमय पुरुष होता है, मनोमय कोष की उपाधि से उसका नाम मनोमय पुरुष होता है। अब देखो इच्छा, इच्छा पर नियंत्रण कौन करता है? बोले बुद्धि। विज्ञानमय कोष कर्ता, वो चैतन्य युक्त को कर्ता बोलते हैं, चैतन्य युक्त विज्ञानमय कोष को कर्ता बोलते हैं, और चैतन्य युक्त मनोमय कोष को इच्छा रूप बोलते हैं, चैतन्य युक्त प्राणमय कोष को क्रिया, क्रिया शक्ति वाला बोलते हैं, और चैतन्य युक्त ये पांच भौतिक एक बीज, बीजांकुरण न्याय से उत्पन्न आकृति विशेष वाले शरीर को अन्नमय कोष बोलते हैं। और इनमें चैतन्य आकाश की तरह बिल्कुल अखंड चैतन्य परिपूर्ण है, इस शरीर में भी, इस शरीर में भी, कीड़े में भी, मकोड़े में भी। अब बुद्धि क्या करती है? जब देखो एक इच्छा हुई कि ये आग का गोला हाथ से उठा लो, तो बुद्धि ने कहा जल जाओगे, क्यों उठाना चाहते हो इसको? तो इच्छा जो है वो कभी कभी अनिष्ट करने की भी इच्छा होती है, अपना अनिष्ट कर लेने की इच्छा उदय हो जाती है। आप लोगों के अनुभव में अपने मन में आता है अपना सिर फोड़ लें, ऐसा आता है? जोश में आता है ऐसा कि नहीं आता है? जब काम का जोश आता है तो बहन बेटी का काल छूट जाता है, जब लोभ का जोश आता है तब ईमानदारी बेईमानी का काल छूट जाता है, जब काम का जोश आता है तो कर्तव्य अकर्तव्य का, धर्म भाव का ख्याल छूट जाता है, जब मोह का जोश आता है तब अपना बेटा दिखता है, दूसरे का बेटा भले मर जाए उसका बलिदान कर दें, ये मोह के जोश में ऐसा होता है। ऐसी ऐसी इच्छाएं उदय हुई जिनकी याद आती है तो हंसी आती है। एक बार रात के समय मुगल सराय से दूर एक पुल था, उसके ऊपर जाके बैठ गए, गाड़ी 4 बजे सुबह जाती थी, तो हमने कहा स्टेशन पर रह के कहा तो धुआं खाए, वहां से दूर चले गए कि जब 3 बजेगा 3:30 बजेगा तो आके गाड़ी पर बैठ जाए। जाके वहां पुल पर बैठ गए भजन करने के लिए। इतने में हमारे एक मित्र आए, बच्चे थे हमसे 18 बरस 19 बरस की उम्र थी, कोई डर नहीं लगता था। एक मित्र आ गए वहां, बोले कि देखो आज अमुक आदमी ने रेल के नीचे कूद के आत्महत्या कर ली है। अब जिसने आत्महत्या की थी वो हमारा बड़ा मित्र था, तो मेरे मन में आया कि ये तो बहुत अच्छा है ना, ये तो एक मिनट में सारा वारा प्यारा हो जाए। कूद पड़ो पुल पर से, कोई ट्रेन आती हो तो कूद पड़ो पुल पर से। मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई। अब उस समय कोई रोकने वाला नहीं था, वो मित्र तो कह के चला गया, तो किसने रोका? बुद्धि ने रोका है ना। तो बुद्धि जो है वो इच्छा से ऊपर होती है ना। इच्छा जो है कभी गंदी होती है, कभी अच्छी होती है, कभी न्याय होती है, कभी अन्याय होती है, परंतु बुद्धि कहती है कि ये उचित है और अनुचित है। औचित्य और अनौचित्य का निर्णय करने वाली एक निर्णयात्मिका शक्ति हमारे भीतर बैठी हुई है। तो वो जो बुद्धि है, वो जो बुद्धि है, उस बुद्धि को बोलते हैं विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष वो करती है, कर्त्री है, कर्त्री। वो इच्छा को उत्पन्न भी कर देती है, इच्छा को मिटा भी देती है, इच्छा की पूर्ति में रुकावट भी डाल देती है और मार्ग निर्देश भी करती है। इस बुद्धि से अवच्छिन्न जो चेतन है, चेतन तो अखंड है, अनंत है, ब्रह्म है, उसमें तो देश काल वस्तु का अंतर नहीं है,
परंतु उस बुद्धि से अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसको विज्ञानमय पुरुष बोलते हैं। एक विज्ञानमय कोष होता है और एक विज्ञानमय पुरुष होता है। तो हम पुरुष की चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम चैतन्य है। अब देखो ठीक है, तो हाथ का नाम हुआ अन्नमय कोष, इसको हिलाने डुलाने वाली शक्ति का नाम हुआ प्राणमय कोष, और हिलाने डुलाने की इच्छा का नाम हुआ मनोमय कोष, और इसके नियंत्रण करने वाली जो बुद्धि है उसका नाम हुआ विज्ञानमय कोष। परंतु चैतन्य जो अन्नमय का प्रकाशक और अधिष्ठान है, वही प्राणमय का प्रकाशक और अधिष्ठान है, वही मनोमय का प्रकाशक और अधिष्ठान है, वही विज्ञानमय का प्रकाशक और अधिष्ठान है। अब कहो कि भाई अच्छा लो हम अब बुद्धि पूर्वक अपनी जीभ चलाते हैं, बुद्धि पूर्वक हाथ जोड़ते हैं, तो देखो हाथ जोड़ने में क्या हुआ, अन्नमय कोष का तो हाथ जोड़ा और प्राणमय कोष ने जोड़ दिया और मनोमय कोष ने ही छाती की जुड़ जाए और बुद्धि ने कहा कि हाथ जोड़ना बिल्कुल ठीक है। अब हाथ जोड़ने पर एक मजा आया तो मैंने एक अच्छा काम किया है। देखो बड़े बूढ़ों के सामने मैंने हाथ जोड़ा, तो हाथ जोड़ने का जो मजा आया तो क्या है, बोले वो आनंदमय कोष है। जो चैतन्य अन्नमय से लेकर के विज्ञानमय कोष का अधिष्ठान और प्रकाशक है, वही चैतन्य उस आनंदमय कोष का भी प्रकाशक आनंदमय पुरुष है, पुरुष। तो ये जो चैतन्य है पांचों कोषों का साक्षी, उसके बारे में ये प्रश्न पैदा होता है कि आखिर इसकी उम्र कुल कितनी है और इसका फैलाव जो है वो कितना है और ये कौन सी धातु है। ये बात आप विचार करके देखो, तो साक्षी होने से ये कार्य कारणात्मक धातु नहीं है। जैसे मिट्टी से खिलौना बना और खिलौना फूट के मिट्टी हो गया, तो दोनों के को जिसने देखा उसकी उम्र क्या बताओ। एक मिट्टी, पहले मिट्टी का लोदा था और उसमें एक खिलौना बन गया और खिलौना फूट के फिर मिट्टी का लोदा हो गया, तो वो मिट्टी का खिलौना जो फूट के मिट्टी हो गया और मिट्टी से जो खिलौना बन गया, उसके हिसाब से आप क्या देखने वाले की उम्र तय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये तय कर सकते हैं कि कितनी देर उसने देखा, ये तो कर सकते हैं, लेकिन उतनी उम्र देखने वाले चैतन्य की, स्वयं प्रकाश की उम्र उतनी ही है, ये निर्णय नहीं कर सकते। तो कार्य और कारण के रूप में अदलने बदलने वाला जो द्रव्य है, उसका जो साक्षी है, देखने वाला जो आत्म तत्व है, वो कार्य मर के कारण हो जाता है और कारण फूट के कार्य बन जाता है, बीज अंकुर हो जाता है और अंकुर फिर बीज हो जाता है। ये तो आप जानते ही हैं, एक बीज जौ का आप अपने घर में बोते हैं, गेहूं का बोते हैं, गेहूं से तना निकला तो बीज में से अंकुर निकला और तने के सिरे पर क्या निकला, बोले बीज निकला। तो बीज में से अंकुर और अंकुर में से बीज, ये बनता रहता है। परंतु ये जो चैतन्य अधिष्ठ आकाश, आकाश न बीज बना रहे अंकुर बना, और चिदाकाश न बीज बना न अंकुर बना, वो ज्यों का त्यों है। अच्छा अब उम्र की नाप कैसे होगी और लंबाई चौड़ाई की नाप कैसे होगी, क्योंकि देश और काल नारायण ये प्रमाण नहीं है, ये प्रमाण के सहकारी हैं। तो देश की कल्पना करो कि बहुत लंबा चौड़ा है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, दाहिने भी वही है, बाएं भी वही है, भीतर भी वही है, बाहर भी वही है, ये कौन हुआ, बोले ये देश हुआ। तो ये जिसका बाहर भीतर दाहिने बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे
जिस फैलाव का अनुभव होता है वो विस्तार, वो फैलाव दृश्य है और उसका जो दृष्टा चेतन है उसका अधिष्ठान है। इसलिए व्याप्य व्यापक भाव दृश्य है और व्याप्य व्यापक भाव से अल्प और सर्व के भेद से, कार्य और कारण के भेद से असंग है अपना चैतन्य आत्मा और वो अखंड अद्वितीय है। अच्छा, पहले और पीछे, भूत और भविष्य, वर्तमान, भूत और भविष्य, वर्तमान, ये मालूम पड़ते हैं कि नहीं? तो मालूम पड़ते हैं। तो जिसको मालूम पड़ते हैं उसकी उम्र भूत भविष्य वर्तमान से बड़ी है। जिसको पूरब पश्चिम ऊपर नीचे और भीतर बाहर मालूम पड़ता है वो इन सब से निराला है, और जिसको कार्य कारण मालूम पड़ते हैं वो कार्य कारण से निराला है, और ऐसा निराला है कि वो असीम है, अद्वितीय है, कब वो अखंड है, उसमें भेद करने वाली कोई वस्तु नहीं है। ये है अपना आत्मा। अब आत्म दृष्टि से देखो कि आत्मा के स्वरूप में कौन सा वो क्षण है जिसको काल बोलते हैं, और कौन सी वो इंच है जिसको देश बोलते हैं, और कौन सी वो कणिका है जिसको पंचभूत बोलते हैं। अब इस अपने अखंड अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप में कोई कणिका ही नहीं है जिसका नाम कार्य कारण हो। इस अपने स्वरूप में कोई ऐसी क्षणिका नहीं है, क्षण नहीं है कि जिसका नाम होवे काल। और इस अपने अखंड स्वरूप में ऐसा कोई नाप तौल नहीं है जिसका नाम होवे स्थान, जिसका नाम होवे गज, जिसका नाम होवे विस्तार। तो असल में ये संपूर्ण प्रपंच अपने आत्मा का ही, अपना आत्मा ही देश काल और वस्तु रूप प्रपंच के रूप में भास रहा है। अब एक छोटा सा प्रश्न आपको सुनाते हैं। एक ने पूछा कि ईश्वर के अस्तित्व में क्या प्रमाण है, उससे पूछो कि ईश्वर के बारे में तुम्हारी क्या धारणा है, वो किस प्रमाण का विषय होना चाहिए। पहले ये निर्णय कर दो, आंख से जितना दिखता है उतना ही ईश्वर होना चाहिए क्या, या नाक से जितना सूंघा जाता है उतना चाहिए क्या, प्रमाण माने क्या। प्रमाण और ईश्वर के बारे में तुम्हारी क्या धारणा है, कभी सोचा विचारा भी है कि नहीं? गंध के होने में नासिका प्रमाण है, लेकिन गंध तो दुनिया की एक अदना सी चीज, एक नन्ही सी चीज है। गंध को प्रमाणित करने वाली नासिका ईश्वर को कैसे प्रमाणित करेगी, गंध तो छोटी सी चीज है। अच्छा, रूप को प्रमाणित करने वाली आंख ईश्वर को कैसे प्रमाणित करेगी, शब्द को प्रमाणित करने वाला कान ईश्वर को कैसे प्रमाणित करेगा, स्पर्श को प्रमाणित करने वाली त्वचा किसकी साइन हो कि ईश्वर है तब तुम मानोगे, आंख की, कान की, नाक की, जीभ की, त्वचा की। बोले नहीं महाराज, ये तो छोटे छोटे हैं और छोटी छोटी चीज को जानते हैं, ये तो ईश्वर को जानते ही नहीं। तो बोले मन तो प्रमाण है ही नहीं, उसमें तो इतनी भ्रांतियां होती हैं कि वो शत्रु को मित्र समझे, मित्र को शत्रु समझे, सुंदर को असुंदर समझे, असुंदर को सुंदर समझे, है ना, दूसरे के बेटे से अपने बेटे को अच्छा समझे, वो तो प्रमाण ही नहीं है। अपना मन तो बिल्कुल भ्रांत, मोहग्रस्त, कामग्रस्त, क्रोधग्रस्त, लोभग्रस्त, और संस्कार शून्य होने पर वृत्ति नहीं है, तो प्रमाण कैसे हो सकता है। बोले बुद्धि प्रमाण है। तो बुद्धि तो उन्हीं वस्तुओं के बारे में प्रमाण होती है जो इंद्रियों
मालूम पड़ती हैं। जहाँ इंद्रियों की गति नहीं है वहाँ अन्वय व्यतिरेक नहीं होता, है ना? ये होने पर सुख होगा, ये होने पर दुख होगा, ये न होने पर सुख होगा, ये न होने पर दुख होगा, ये तो बुद्धि पहले इंद्रियों से अनुभव की हुई चीज होती है। एक बार हाथ आग में जल लेता है तो आग को देखते ही बुद्धि बताती है इसको छुओ मत, जल जाओगे। और एक रसगुल्ला खाते ही स्वाद आ जाता है तो बुद्धि कहती है कि हाँ रसगुल्ला खानी चाहिए। ये बुद्धि जो है ये तो इंद्रियों से अपना अनुभव बनाती है और फिर निर्णय देती है। तो ईश्वर के बारे में आप कैसे कह, आपकी बुद्धि ने अगर कभी ईश्वर को देखा हो तो ईश्वर के बारे में निर्णय दे सकती है। तो ईश्वर के बारे में क्या प्रमाण है? तो आपका ईश्वर, यदि अपने बेटे का नाम आपने ईश्वर रखा है तो उसमें आंख भी प्रमाण हो सकती है। और गुलाब की गंध का नाम आपने ईश्वर रखा है तो आपकी नाक भी प्रमाण हो सकती है। और आपने किसी ओंकार, रंकार, सोहंकार को, यदि किसी आवाज को, किसी ध्वनि को आपने ईश्वर माना है तो आपका बंद कान या खुला कान भी उसमें प्रमाण हो सकता है। और किसी कठोर और मृदु स्पर्श का नाम ईश्वर है तो त्वचा भी प्रमाण हो सकती है। प्रश्न तो ये है कि देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, स्वयं प्रकाश, सर्वाधिष्ठान, अद्वितीय तत्व को यदि आप ईश्वर कहते हैं तो उसके बारे में प्रमाण का अर्थ इंद्रिय तो नहीं हुआ ना, प्रमाण का अर्थ मन तो नहीं हुआ ना, है? तब हम ये पूछते हैं कि अच्छा आप किस प्रमाण से पूछते हैं? आपने अपने को आंख से देखा है कि नाक से सूंघा है कि त्वचा से छूया है कि जीत, आप किस प्रमाण से सिद्ध है? खुले आप हम ये कह सकते हैं कि आपका अस्तित्व जिस प्रमाण से सिद्ध है उसी प्रमाण से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध है। क्योंकि अभी हमने आत्मा के जिस स्वरूप का निरूपण किया वो असल में आत्मा का ही नहीं परमात्मा का भी स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा एक जगह पर हैं। तो जब आप अनुभव की दृष्टि से, अनुभव की गति से, अनुभव के मार्ग से जब आप अपने आप को देखेंगे तब देखेंगे कि जैसे बिना किसी प्रमाण और प्रमेय के व्यवहार के, बिना कहीं से किताब में कोई बात लिखी होने का नाम प्रमाण नहीं होता है और केवल इंद्रियों से दिखने का नाम ही प्रमेय नहीं होता है। जहाँ से किताबें निकलती हैं, जहाँ से आँख, कान, नाक, मुंह में रोशनी आती है, जहाँ से मन और बुद्धि में रोशनी आती है, वो जो सबसे अंतरंग बैठा हुआ है, अखंड, अद्वितीय, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, आत्म चैतन्य वही ब्रह्मा भिन्न है, वही अद्वितीय ब्रह्म है। और उसमें न देश है, न काल है, न वस्तु है, न प्रपंच है, और सब कुछ उसी में भान मात्र। सारा का सारा प्रमाण और प्रमेय का जो व्यवहार है वो सब का सब, ज्यों का त्यों उसी में हो रहा है, अपने आप में ही हो रहा है। और ये ज्ञान होने के बाद भी शरीर रहता है, व्यक्ति रहता है, जीवन मुक्त रहता है, उसका व्यवहार होता है। नारायण, जिसने तत्व ज्ञान के पूर्व अपने जीवन को शुद्ध बना लिया, धीरोदात्त बना लिया, प्रकृति को स्वच्छ बना लिया, वो तत्व ज्ञान के अनंतर भी आनंद में मग्न रहता है। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश बहुल उसका जीवन होता है, आनंद बहुल उसका जीवन होता है, सद बहुल उसका जीवन होता है। और जो इस तत्व ज्ञान के पूर्व अपने को अधिकारी नहीं बना लेते, ज्ञान होने के बाद भी तमो बहुल, रजो बहुल, अंधकार बहुल, दुख बहुल, विक्षेप बहुल, उनका जीवन व्यतीत होता है। क्योंकि जो निष्क्रिय स्वयं प्रकाश अधिष्ठान वस्तु है वो किसी में परिवर्तन, स्वयं परिवर्तन
अपना वो करता नहीं और दूसरे का करता नहीं, वो तो ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए नारायण इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, इसकी प्राप्ति हुए बिना नित्य प्राप्त की प्राप्ति, नित्य ज्ञात का ज्ञान, नित्य अनुभव स्वरूप, अनुभव स्वरूप का अनुभव, ये जब तक प्राप्त होता नहीं तब तक जन्म मरण से छुट्टि मिलेगी नहीं, तब तक ज्ञान अज्ञान के परे जाओगे नहीं, तब तक सुख दुख का जो द्वंद्व है वो मिटेगा नहीं, और अद्वितीय ब्रह्मात्म बोध की जो जीवन मुक्ति रूप फल है का उसका अनुभव होगा नहीं। इसलिए प्रत्येक सत्य के जिज्ञासु का कर्तव्य है इस अखंड इस अद्वितीय सत्य का ज्ञान जब तक प्राप्त न हो तब तक इसके मार्ग में चलता रहे, यही परम गति है, यही परम सत्य है, यही परमार्थ है। ओम शांति शांति।